नमस्कार दोस्तों, ZRFZ YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट कुछ बड़ा है, कुछ अहम है, खास है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से फायदा तभी उठा सकते हैं जब पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको मेरा बताया हुआ तरीका नहीं समझ में आएगा, तो आपका काम होना असंभव है। तो आप सबसे पहले मन बना लीजिएगा कि ये वीडियो मुझे पूरा देखना है और अच्छी तरीके से समझना है कि मैंने बताया क्या है इसमें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा समस्या है युवकों और युवतियों में, बाल झड़ने की। बाल आजकल बहुत ज्यादा लोगों के झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, जिससे कि ज्यादा ही परेशानी है। लोग उम्र से ज्यादा देखने लगते हैं। 20-20 साल के लड़के 50-50 साल के देखते हैं। वजह यह है कि वो लोग गंजे हो जाते हैं, उनके बाल भी सफेद होने लगते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये YouTube चैनल को लाल वाला बटन दबा करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके घर में किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उनको करना क्या है। सबसे पहले तो बाल झड़ने का कारण जानना चाहिए। अगर बाल रूसी की वजह से झड़ रहे हैं तो रूसी को खत्म करना चाहिए। बाजार में बहुत सारे शैम्पू हैं, एंटी डेंड्रफ शैम्पू बहुत सारे, मैं किसी का नाम लेकर के किसी को टारगेट नहीं बनाना चाहता हूँ, जिससे कि लगाने से कुछ दिन के लिए तो डेंड्रफ चला जाता है लेकिन फिर दोबारा वो डेंड्रफ आ जाता है, और जब वो डेंड्रफ आ जाता है तो फिर बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। सबसे मेन कारण तो ये होता है बालों का झड़ने में, डेंड्रफ। और हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने बालों को डेंड्रफ मुक्त करें। जो मैंने स्वयं खुद प्रयोग किया है डेंड्रफ के लिए, मेरे भी बाल झड़ गए थे, खैर वो तो अपना अलग विषय है। जो मेरे बाल झड़ गए थे, मैंने भी इसी नुस्खे से अपने बाल निकाले। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेंड्रफ खत्म करना। डेंड्रफ खत्म करने के लिए आपको लेना पड़ेगा डेली रोज, अपने हाथ से आपको बनाना है एलोवेरा, जिसको घी गुआर का पाठा भी कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं, और बहुत सारे कई नामों से जाना जाता है। गमलों में लगाया जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, शायद उसका एक पत्ता भी हमारे पास रखा है, दूर है। चूंकि मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मेरे पास मौके पर एलोवेरा का पत्ता भी रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एलोवेरा का पत्ता मेरे पास मिल गया। तो आपको करना यह कि इस एलोवेरा को दोनों तरफ से काट करके इसका जूस बना लें, या कि इसको इस तरीके से छील करके इसको आप निकाल निकाल के इतना सा कटोरी में जितना आप बालों में लगा सके उतना आप अपने बालों में लगा लीजिए एलोवेरा, और तकरीबन आधे से एक घंटे तक लगा रहना दें। अच्छा, इसको अगर और बेहतर आपको बनाना है तो इस एलोवेरा के जूस को अपने हाथ से ही ताजा निकालें, और कड़वा होना चाहिए। ये एलोवेरा दो प्रकार का होता है, एक मीठा और एक कड़वा। ये है कड़वा वाला एलोवेरा। कड़वा एलोवेरा होना चाहिए। उसको जूस निकालने के बाद उसमें हल्दी डाल दीजिए, कच्ची या पक्की कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और हल्दी डालने के बाद अपने बालों में लगा लीजिए, बालों की जड़ों में। अगर मेल है तो अपना गंजा घुटवा लीजिए, टकला बनाकर लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और अगर फीमेल है तो वो तो टकला बना नहीं सकते। तो अगर से मेल है तो अपना टकला बनाओ, अगर फीमेल है तो उसका जो पेस्ट बन जाएगा एलोवेरा का और हल्दी का, तो
तो इस पेस्ट को अपने सर में बेहतर तरीके से लगा लीजिए और करीब आधे से एक घंटा, मतलब आधा घंटा तो 100% होना ही चाहिए, आधे से एक घंटा के उपरांत इसको धो लीजिएगा। ये आप करीब करीब 15 से 20 दिन ही करेंगे तो आपकी डैंड्रफ का पता नहीं चलेगा, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन डैंड्रफ बहुत जिद्दी होता है। अगर आपके घर में किसी को डैंड्रफ है, अगर वो ही कंघा आप यूज कर रहे हैं, एक कंघा पूरी फैमिली यूज कर रही है, अगर उसमें से एक भी इंसान को डैंड्रफ है, अगर वो कंघा वो भी यूज करता है तो उसे भी डैंड्रफ हो जाएगा। यानी कि अपना कंघा अलग रखना चाहिए सभी व्यंदों को, एक दूसरे का कंघा इस्तेमाल ना करें जिससे कि ये दोबारा डैंड्रफ हमारे एक्टिव ना हो। आपका जब डैंड्रफ खत्म हो गया तो बालों के झड़ने की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि जब आपके बालों के झड़ने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी तो आपको दूसरा नुस्खा इसी वीडियो में मैं बताता हूँ, नोट कर लीजिए, बनाकर बताना मेरा वो सिस्टम नहीं कि मैं आपको ये वो करके ऐसा ऐसा बनवाऊं। तो आपको रेगुलर तेल लगाने के लिए सर में उसका एक तेल बनाया जाता है, बहुत ही छोटी सी चीज है जो हर जगह उपलब्ध होती है। उस तेल को बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा ओरिजिनल सरसों का तेल, याद रहे ओरिजिनल होना चाहिए, अगर डुप्लीकेट हुआ तो वो काम नहीं करेगा भाई, ये बात दिलो दिमाग में डाल लीजिए। ओरिजिनल आप सरसों का तेल ले लें, उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि उस सरसों के तेल में आपने नाम सुना होगा नागरमोथा, सुना है ना, ना भी सुना हो तो देहातों में किसानों से पूछ लीजिए नागरमोथा क्या होता है, मोथा क्या होता है। 100 ग्राम कड़ुआ तेल, सरसों का तेल हो, कड़ुआ तेल हो लेकिन ओरिजिनल हो, उसमें 20 ग्राम नागर मोथे की जड़ को बेहतरीन महीन पीस करके आप उस तेल में डाल दीजिए। उसको आपको न पकाना है न ही कुछ करना है, जब उस तेल में डाल देंगे तो तेल को कुछ दिन यानी के 4 से 5 दिन तेल रखा रहे और डेली तेल को हिलावा। ये देखिए आधी सीसी बना हुआ रखा, ये मैं रेगुलर लगाता हूँ, सारी चीजें यहीं मिल गई हैं, ये अच्छी बात है। इसको डेली आपको हिलाना है इस तरीके से, 5-6 दिन आप नागर मोथा की जड़ का चूर्ण और सरसों का कड़ुआ तेल, या कोई सरसों का हो या कड़ुआ तेल हो, लाही का हो मतलब, तो इसको मिलाकर के इसको हिला लीजिए और तो रख दीजिएगा। ये किसी जगह पर आपने रख दिया, 2-3 घंटे में थिरा जाएगा, तेल तेल ऊपर आ जाएगा, दवा नीचे चली जाएगी। उसके बाद इस तेल को आप जड़ों में लगाइए तो आपके जो भी पतले दुबले बाल होंगे, पतले दुबले का मतलब जिनमें दम नहीं होगी बालों में, कि जरा में उखड़ जाते होंगे, तो उन बालों को ये मोटा करेगा और उनमें ताकत लाएगा। इसमें एक चीज और आप मिला सकता है जिसको कहते हैं कपूर, कपूर होना चाहिए असली, लेकिन कुछ लोगों को देखा यह गया है कि कपूर तेल में मिलाने से शर्म दर्द की शिकायत हो जाती, तो ऐसे लोग कपूर ना मिलाएं, ऐसे लोग केवल 2 ही चीजों का सेवन करें कुछ दिन तक। यानी कि जब आप रेगुलर लगाइए, वैसा भी तेल लगाते हो तो इसको भी आप रेगुलर लगाइए, आपके बाल मोटा करेगा, आपके बालों का झड़ना बंद करेगा और आपको फिर बेहतरीन बाल आ जाएंगे। आएंगे तो नहीं, देखो जो झड़ गए वो झड़ गए, जो बाल हैं वो आपके सुरक्षित रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगले एपिसोड में मुझे लगे कि मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो बाल कैसे उगाए जाते हैं
इसका मैं नुस्खा आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास व्यूअर ज्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, तो ये सच है कि मैं आपको बाल निकालने का भी नुस्खा बताऊंगा जो कि 100% रिस्पोंडेंट होगा, लेकिन वो भी कम से कम 3 से 6 महीने में बाल निकल पाएंगे, 2-4 दिन में नहीं निकलते। अगर आपको ये मेरा नुस्खा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यही आज का नुस्खा था बालों के संबंध में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।